नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। कोरोना वायरस जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। बात अगर भारत की और बिहार की करें तो यहां पर लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि गनीमत यह है कि इससे ठीक होने वालों की भी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। बिहार में 290 तक का आंकड़ा पहुंच गया है सोमवार की सुबह 10 बजे तक। लेकिन बात आज करेंगे कोरोना वायरस के नए लक्षणों की। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, जो कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार हैं, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि कोरोना वायरस के 6 नए लक्षणों को जोड़ा गया है। उनके ट्वीट के अनुसार, आपको बता दें कि अमेरिका की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी द्वारा कोरोना वायरस के 6 नए लक्षणों को जोड़ा गया है। अमेरिका की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रविवार को COVID-19 लक्षणों में की जो अपनी आधिकारिक सूची है उसमें 6 नए लक्षणों को जोड़ा है। तो पहले के जो लक्षण थे, खांसी, सर्दी, बुखार होना, इसके अलावा 6 नए लक्षणों को जोड़ा गया है। और इसमें आपको बता दें कि ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिरदर्द होना, गले में खराश होना, स्वाद या गंध का नहीं आना, अर्थात सर्दी में जैसे आपको लगता हो कोई चीज़ आप सूंघ नहीं पा रहे हैं, उसका गंध नहीं आ पा रहा है, या फिर किसी चीज़ का स्वाद आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो वो भी नए लक्षण अब इसमें ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा पहले का, जैसे कि मैंने बताया कि पहले सर्दी, खांसी, बुखार था और सांस लेने में तकलीफ थी, ये पहले के जो लक्षण थे। उसके अलावा अब जो नए लक्षण हैं उसमें मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द, ठंड लगना, इसके अलावा स्वाद का चले जाना या फिर गंध आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वो नए लक्षण हैं जो कोरोना वायरस के लक्षण हैं। और अगर आप में ये लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। हालांकि जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उससे लेकर जो पूरी दुनिया चिंतित है, इसमें लगातार रिसर्च भी हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी मेडिसिन इसकी नहीं बन पाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर ले या फिर जो विकसित देश हैं उनकी भी बात कर ले, तो लगातार कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी दवाई इसकी नहीं बन पाई है जिससे कहा जाए कि ये कोरोना वायरस COVID-19 की दवाई है और इससे मरीज ठीक हो रहे हैं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हालांकि रिसर्च चल रहा है और उसी रिसर्च के तहत से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका की जो स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी है उसने 6 नए लक्षणों को जोड़ा है और बताया है कि ये जो 6 नए लक्षण हैं, अगर ये भी आप में दिखते हैं तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तो अगर आप में ये नए लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना उचित इलाज कराएं, घबराएं नहीं, सतर्क रहें, ये हमारा कहना है। एक बार फिर से आपसे अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें आप, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को धोते रहें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिए। नमस्कार।